प्रवर लोग आई लवानी त्रिनेत्र के सेट पे फिल्म में विनय जी एवं विनय आनंद जी, हमें पंकज केसरी और धर्मेंद्र मिश्रा जी और हमारी बहुत सीनियर हमारी भौजाई सीमा पांडे जी आई। पहले सीमा पांडे जी से बात कर जाओ। सीमा जी, आज के सिचुएशन के आज का जो चल रहा है शूटिंग उसके बारे में हमारे पब्लिक को बताइए। एक इमोशनल गाना है, पहले हम लोग बच्चों के साथ सैड सॉन्ग कर चुके हैं इसी के बिहाफ पे, और अब बच्चे बड़े हो गए हैं और वही सिचुएशन लेके हम लोग एक खुशी का गाना शूट कर रहे हैं। और मेरे तीन रतन, अनमोल रतन धर्मेश जी, त्रिनेत्र, पंकज जी और विनय जी, इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप आप लोग भी जब देखेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। अब हमारे बाजू में बैठे हुए हैं कि विनय आनंद जी, जिनके भी फिल्म बहुत अच्छी चल रही है, सुपर हिट हो गई दामिनी। तो सबसे पहले रहुआ लोग विनय जी, आपको बधाई हो दामिनी के लिए। सबसे पहले तो मैजिक टीवी देखे वाले सभी दर्शकगण के हमार प्रणाम, और बहुत बहुत आप लोगन के भी बधाई कि रहुआ लोगन के आशीर्वाद की वजह से हमार फिल्म दामिनी सुपर हिट हो गए बा, और बहुत खुशी की बात बा हमरा लिए। तो विनय भैया, जब पार्टी लेवल जाई एक दो दिन में लेवल जाए पार्टी, और बड़ा अच्छा बा कि आज गाना बजाना के माहौल बा, और हमनी के भौजाई के हमारी जो भाभी जी बाड़ी उनका के सेट आवता रही, हम लोग कैसे मनावता नहीं जा। और एगो फिल्म में धर्मेश मिश्रा जी हवन जो हमनी के भतीजा, बड़ा नौटंकी है, आए तो नहीं बतियावल जाओ। धर्मेश, पहले मैजिक टीवी प्रणाम करो। सबसे पहले मैजिक टीवी देखे वाले के नमस्कार करतानी, और बहुत आभार प्रकट करतानी कि ये मैजिक टीवी बा जौन त्रिनेत्र के बहुत आगे ले जात बा पब्लिसिटी के माने में। तो जब तक हम ये बताएंगे कि त्रिनेत्र क्यों देखना चाहिए, तब तक एक छोटा सा ब्रेक ले, तब तक ये शॉर्ट देखिए आप लोग। पब्लिक अपने आप को कहीं ना कहीं इतने से जुड़ी हुई पाएगी, हर घर की कहानी है, कोई ना कोई करेक्टर जरूर मैच कर लेगा उसको जो है। और जैसा कि धर्मेश ने बताया, हर कैरेक्टर किसी ना किसी कैरेक्टर को मैच करता है, और एक पारिवारिक कहानी है जो आज की दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संयुक्त परिवार अलुप्त होते जा रहे हैं, और ये हमारा प्यारा सा संयुक्त परिवार है, और हम अपने आप को समाज के एक हिस्से में रखते हैं, अपने आप को समाज में देखते हैं। तो ये जो हमारा परिवार है वो एक समाज का दर्पण है, आईना है, जहाँ पे सारे कैरेक्टर्स रखे हुए हैं, और जो दुश्मन है समाज के, हम उसको कुरूतियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, ताकि हमारे परिवार आज भी वैसे ही संयुक्त रहें, खुशहाल रहें, है ना। और एक अच्छी बात त्रिनेत्र में ये बा कि मैं कहीं से अश्लीलता नहीं की, वल्गरिटी नहीं की, लेकिन संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बा। फ्रंट बेंचेस खातिर भी, घर के औरतन खातिर भी, बूढ़ा खातिर भी, कोई भी जाके फिल्म में बोर ना हो, पैसा वसूल फिल्म बा। रवा लोग जो पैसा अपना मेहनत से लगा के जाके टिकट खरीदब, वो टिकट के पैसा रवा वसूल हुई, इसलिए रवा त्रिनेत्र जरूर देखिए। और एक त्रिनेत्र एक पवित्र नाम बा जो पूरा हिंदुस्तान जानेला, पूरा विश्व जानेला कि त्रिनेत्र किनका कहा जाला, शंकर भगवान के नेत्र। हाँ, तो रवा लोग सुननी सीमा जी के जवाब कि त्रिनेत्र का है देखल जाओ, धर्मेश मिश्रा जी के जवाब सुनी, आइए विनय आनंद जी के जवाब सुना जाओ कि त्रिनेत्र का है देखल जाओ। मैं आप लोगों से कहूँगा कि भाई त्रिनेत्र आप लोग इसलिए भी देखिए कि फिल्म में मेरी, पंकज बाबू की, विजयलाल यादव जी की, सीमा पांडे जी की, धर्मेश बाबू की, रूबी सिंह की, और कई कलाकारों की बहुत ज़्यादा मेहनत है। दूसरा, जैसे कि हमारी भाभी ने, सीमा पांडे जी ने कहा कि त्रिनेत्र इसलिए देखिए क्योंकि संयुक्त परिवार की कहानी है, बहुत बढ़िया लगा मुझे, एकदम सही कहा उन्होंने। हम एगो गाना गाए रही और पिक्चर के नाम वल्गर ना हो, गाना बा गर्दा गर्दा कैले बाड़ू जब से भैलो जवान फिल्म के, और हम आपन स्वर में गवले बानी, और गाना कुछ ऐसन बा, आवा दूर करी हम परेशानी के, चल के द गोरिया जवानी के, अचरा हटा के आवा देहिया सटा के, ले ल जवानी के माजा, हे जेरा में गोरिया समाचा। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे जो डायरेक्टर हैं शाद कुमार जी, उनके लिए भी आप त्रिनेत्र देखिए, क्योंकि उन्होंने जो डायरेक्शन की है इस फिल्म में, मैं कहूँगा कि
कई सालों के बाद भोजपुरी में इतनी बढ़िया फिल्म बन रही है, तो आप लोग इसलिए भी त्रिनेत्र देखिए। और मेरा जवाब है कि त्रिनेत्र आप इसलिए देखिए कि ये संपूर्ण फिल्म, जिसको कह सकते हैं आप भोजपुरी फिल्म रवा कह सके ना, क्योंकि संगीत पक्ष बहुत मजबूत बा, एक्शन बहुत अच्छा बा, स्टोरी कंटेंट बहुत अच्छा बा, और सबसे अच्छी बात बा कि पहली बार इमें बेने भैया और हम साथ में काम करता नहीं, और ऐसे तो दो तीन फिल्म साथ में कही जाता, लेकिन फिल्म पहले रिलीज हुई उसके बाद इस फिल्म में सबसे अच्छा पक्ष बा कि एक भौजाई, एक भाभी जो त्याग की मूर्ति हो ले, कैसे अपना परिवार के बचावे ले और कैसा परिवार के बचा के जी अपन जो दुश्मन बा उनकर जिनका खातिर परिवार बर्बाद भइल है, वो दुश्मन से कैसे बदला लेता रही, और एक त्याग की कहानी बा त्रिनेत्र। ये हमारे साथ ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर और बहुत मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म के लिए, एक्शन पे काम किया, कंटेंट पे काम किया, डायलॉग पे काम किया, कास्टिंग पे काम किया है, और तो इसलिए पूछते हैं कि त्रिनेत्र क्यों देखा जाए और पब्लिक को क्या इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पब्लिक आए और त्रिनेत्र देखे। तीनों डंडे को एक साथ बांध दिया जाए तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता, अगर अकेला होगा तो कोई भी बाहर का आदमी आके तोड़ देगा। हाँ तो भाई, जिनका हम इंतजार कर रहे हैं हमारे मेहरारू रूबी सिंह जी के, ये फिल्म के मेहरारू भाई, ओरिजिनल में नाम था मरियान, बहुत देर से भाव खा के लिए है, बहुत भाव खा ले भाई, देखा ये बाजू में इतना सुंदर देवर बैठल हुआ, इधर भौजाई, इधर इधर छोटका नौटंकी भतीजा बैठल हुआ, फिर भी देर करा तारी काज ने कहा रही, अब तो रूबी से बात कर जाओ, रूबी मेहरारू बनी तो तनी तैयार होके आगे आवे के पड़ेला। तो रूबी जी, यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछल गई बाकी त्रिनेत्र की शूटिंग चला था, ठीक बा, तो त्रिनेत्र में ऐसा का खास पब्लिक जाके त्रिनेत्र देखो, ये पर डिबेट चला था, तो भैया त्रिनेत्र के बारे में बताइए कि ऐसा का खास चीज़ बा कि पब्लिक जाके अपना खून पसीना के कमाई 15 रुपया 20 रुपया जाके लगा के त्रिनेत्र देखो, वो बताइए। सबसे खास बात ये बा कि मैं चार गो हीरो बारन, विनय जी बारन सुपरस्टार, पंकज केसरी बारन, विजय लाल यादव बारन, धर्मेश जी बारन, तो सबसे खास बात ये बा, और सबसे अलग बात ये बात बा कि एक स्टोरी एकदम पारिवारिक बा, जौन की आजकल भोजपुरी फिल्म में बहुत गायब हो गया बा, तो एमे कौनो रहुआ वल्गर सीन कुछ ना मिली देखे के, मतलब जौन आजकल भोजपुरी फिल्म के जौन ट्रेंड चल रहा बा उसे एकदम अलग हट के पारिवारिक फिल्म बा, जौन आके देखे खातिर दर्शक लोग जरूर रही है। और कुछ खास बात, और कुछ खास बताइए भाई, तो हम सब मान लिया कुछ रहुआ खास बात। फिल्म के गाना बहुत अच्छा बा, खासकर हमार सॉन्ग जन हमरा पर पिक्चराइज भेल बा, सेक्सी भेल बा मिजाज, उ तो सेक्सी भेल बा मिजाज, उ सॉन्ग सबके सामने, सबके सामने गाना के लाइन बाटे, सबके सामने मिजाज भेल बा, उ गाना बहुत अच्छा बा और वा लोग के बहुत पसंद आई। अच्छा, डेफिनेटली हम उ गाना देखले बानी सेक्सी भेल बा मिजाज, और हमरा के भी बहुत पसंद आई बा, रउआ लोगन के भी सेक्सी भइल बा मजा जरूर पसंद आई। अपन भाई गाना बोलगर ने के चीप नहीं के, हां गाने के लव्स बाटे के लव्स बा भैया, हमर जे मेहरारू गाना बहुत डिसेंट बा, हमर जे मेहरारू बड़ी शादी से पहले बड़ा चंचल रहता रही, इनकर दिल आ गेल बा हमरा पर, मिजाज जे बा इनका मिजाज थोड़ा गड़बड़ा गेल रहे त गाना गावे लगली, समझ गई निरवा। रूबी जी से को गाना सुनल जाओ, अब इतना सुंदर लड़की बाजू में बैठी त गाना सुनने के मन न करी हो, आओ सुनल जाओ। ठीक बा, आँख जब से बा लड़ल प्यार के रोग भइल, आँख जब से बा लड़ल प्यार के रोग भइल, रउआ मिल गई नी हमें, गावे दे बाकी ना बुलावा ना बुलावा, हाँ आई आई रहो गाई गाना कंपटीशन चल रहा बा, विलन के आगमन हो रहा बा, आप डराए के पड़ी तनी पहले गाना गावा नीचे में ठोक दे तनी, अरे गाना गावे तब हां कौन गाना गाई कोई भी, अच्छा हमरा खातिर वो गाना गाते है, बाप रे हमनी लोग दोनों खातिर गाना गाती, हमरा खातिर वो चलो तारा खातिर, हमने दोनों की खातिर ना, तारा खातिर बाद में, अच्छा हां अब आप दोनों के लिए, आप दोनों के लिए गाना। आज मौसम बरंगीन मौका भी बा, दिल का अरमान पूरा कर द पिया, ए तू देवर बड़ा बस बस